बसमिल्लर अस्सलाम असल हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स फेस टू फेस टू थ्री 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख नाजीन 2019 हज़ार उन्नीस हुआ नया साल नया दिन नई शुरुआत आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को देखना नसीब फरमाए हमारा आज फेस टू फेस स्पेशल एपिसोड के अंदर हमने डिस्कस करना है कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान जो मामल थे वो कहाँ तक पहुँचे 2019 में हमने क्या खोया और क्या पाया क्या पाकिस्तान के अंदर कोई अचीवमेंट्स भी हैं कनाडा के मंतख नए वजी अजम जनाब जस्टिन टूडो साहब के लिए ये नया साल कैसा साबित होगा उनके इलेक्शन के बाद एलेक्शन में कामयाबी के बाद जो हमारे मम्मरान कौमी असम्बली आए हैं पार्लियामेंट के अंदर उनमें मुसलमान मेबान की तादाद में भी इजाफा हुआ जो कि एक खुशाइन अमल है क्योंकि हमारी बात को असम्बली और ऐवान तक पहुँचाने में उनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है और बहुत सारे मामला हैं कि दो हज़ार उन्नीस के अंदर कश्मीर के अंदर जो मामला शुरू हुए आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बाद आज तक कश्मीरी आवाम जिस स्तम का शिकार है आखिर उसका हल क्या है पाकिस्तान और कैनेडा के माबे तजारत को फ़र्व देने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारे पाकिस्तान और कनाडा के अंदर जो लोग मुकीम हैं उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कनाडा के अंदर मौजूद पाकिस्तानी औरिजन कैनेडियन पाकिस्तानी औरिजन जो है वो पाकिस्तान और कनाडा के, के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होते हैं इसी प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारी कम्यूनिटी की बहुत अहम शख्सियात को मद़ किया है वह शख्सियात एक अपना रोशन सितारे की मिसाल हैं चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कैनेडा में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी खत्े में हो, उनका दिल पाकिस्तान और कैनेडा के लिए धड़कता है वो हर लम्हा पाकिस्तान और कैनेडा के लिए कुछ करना चाहते हैं कनाडा ने हमें जगा दी है हमें अपनाया है हमें चाहिए कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें कैनेडा के लिए भी कुछ करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए इसी चीज़ को मुद्दे नज़र रखते हुए मेरे पहले मेहमान हैं जनाब खालिद उस्मान साहब खालिद उस्मान साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर एक ऐसी शख्सियत हैं कि इनकी मौजूदगी का एहसास हमें खुद ब खुद होने लगता है उनके लहजे के अंदर जो जोश जो वलवला है वो सब जानते हैं जब वो मौजूद होते हैं महफिल के अंदर तो महफिल को रोनक बख्शते हैं कोपो के चेयरमैन हैं कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी औरिजन जो कि सब जानते हैं इसके अलावा वार्ड सेवन मेरे ख्याल में मार्कम के अंदर वो काउंसलर भी हैं चाहे वो कैनेडियन कम्यूनिटी हो चाहे पाकिस्तानी हो किसी भी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ हो सब लोग इन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं वेरी वेरी वेल नॉन शख्सियत हैं मेरे दूसरे मेहमान हैं अली इमरान मिर्ज़ा साहब अली इमरान मिर्ज़ा साहब डायरेक्टर हैं नमल नॉलेज सिटी ऑफ कैनेडा के अली इमरान मिर्ज़ा साहब ने नमल फाउंडेशन के लिए और नमल के लिए जो काम किया है वो किसी से पोशीदा नहीं है अली इमरान मिर्जा साहब गुना गो कहीं ना कहीं अपनी मसरूफियात में टाइम निकाल कर हमारे मीडिया के साथ मुंसलिक होते हैं और हमें अपडेट देते हैं कि वो पाकिस्तान और कैनेडा के लिए क्या कर रहे हैं वो ही नहीं उनकी पूरी फैमिली किसी ना किसी तरीके से जो है वो नमल के लिए कैनेडा के लिए कनेडा के मुख्तिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, के लिए चाहे वो हेल्थ का शोबा हो चाहे वो एजुकेशन का शोबा हो उसके अंदर अपना किरदार करते हुए नज़र आते हैं मेरी तख्तीसरी शख्सियतें जो आज मेहमान हैं हमारी बहुत ही मौजूद शख्सियत हैं जनाब परवेज़ अहमद साहब परवेज़ अहमद साहब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडस हेल्थ नेटवर्क के इंडस हॉस्पिटल पाकिस्तान का वो हॉस्पिटल है जहाँ पर किसी, किसी फारिश की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है जहाँ किसी पर्ची का इस्तेमाल नहीं होता जहाँ पर कैश काउंटर नहीं है जहाँ पर कोई भी गरीब आदमी कोई भी शख्सियत जो इलाज के लिए जाना चाहे बिला मुआवज़ा उनको इलाज की सहूलियात मैसर आ जाती हैं यही नहीं कनाडा के अलावा कनाडा के अंदर भी वो बहुत सारे काम कर रहे हैं हम इनको सबको तीनों मेहमानों को खालिद साहब आपको अली आपको परवेज़ आपको मैं वेलकम करता हूँ टू थ्री सिक्सटी स्टूडियो के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मैं अपनी गुफ्तु का आगाज़ खालिद उस्मान साहब से करना शुरू करूँगा कि खालिद साहब से मैं मालूम करूँगा खालिद साहब दो हज़ार उन्नीस अख्ताम पजीर हुआ आप क्या समझते हैं हमने क्या खोया और क्या पाया देखिए जी इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी कनेडियंस तो वी हैव गेंड अलॉट खुदा से हमारी कम्यूनिटी जो है यहाँ पे काफ़ी मचोर होती जा रही है जैसे आपने कहा इस इलेक्शन में फेडरल में यू सॉ द रिजल्ट उसमें नंबर ऑफ uh, uh, जो हमारे एम पी इलेक्ट हुए हैं दे हैव गॉन आप इवन दो वो उस रेशो में नहीं है uh -huh. कि जो हमारी पॉपुलेशन है बट दे स्टिल आर गोइंग अप वन वन बाय आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन क्योंकि आपको मालूम है कि इस मुल्क में अगर आपकी आवाज़ नहीं है uh -huh. तो आप जितना मर्जी जो मर्जी आए कर लें बगैर आपकी आवाज जब तक पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेगी तो कुछ कर नहीं सकेंगे कोई अचीवमेंट नहीं।, नहीं हो सकेगी तो सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल फ्रंट में तो ये है कि हमने एज कम्युनिटी वी हैव गेन्ड एज स्टैचर वी एफ गेंड अलॉट इकोनॉमिक्स में हमारी कम्युनिटी जो है से दे आर आर डूइंग डूइंग वेल वेल किड्स वेरी और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन भी कनेडियन कम्युनिटी के साथ काफी सारा है दैट वी आर गिविंग बैक टू द कैनेडियन कम्युनिटी आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट और यही एक सबक है जो मैं हमेशा से प्रीच करता रहा हूँ आप पाकिस्तान के लिए तो करते ही है क्योंकि हम सब मिल के करते हैं लेकिन साथ साथ इस मुल्क के लिए जो हमने कनाडा के लिए जो हमारा एडॉप्टेड मुल्क है जिसने हमें अपनाया है जिसने हमें अपनाया है जिसने हमें ये जगह दी है जिसे हम बड़े प्राउडली कहते हैं हम कनेडियंस और पाकिस्तानी ओरिजिन है तो हमें इनके लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करना है अली जैसे खालिद साहब ने कहा कि जो है वो एक अच्छा गुड साइन है कि लिबरल की गवर्नमेंट आई लेकिन ये गुड साइन तो है वो मेजोरिटी जो हम टूडो की गवर्नमेंट से सोच रहे थे कि जिस मेजोरिटी में आएगी आप समझते हैं कि वो मेजोरिटी हासिल ना करने की वजूहत क्या थी कहाँ कुछ लीकेजेस हुई लास्ट गवर्नमेंट में उनकी मैं पॉलिटिक्स के बारे में तो बहुत कम नॉलेज है मेरा खालिद साहब के साथ बैठना और पॉलिटिक्स के बारे में बात करना एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन uh, आपने पूछ लिया मेरे सर लेकिन मेरे ख्याल से कि जो मेजोरिटी uh, गवर्नमेंट ना होना बेहतर है किसी भी किसी कंट्री के लिए बिकॉज उसमें आपके पास वेन यू डील विद अदर पार्टी तो दूसरी पार्टीज को भी आप सुनते हैं अपोजिशन तो, को को hmm. तो दूसरी आ, आ, इनको दूसरी पार्टीज को भी सुनना पड़ेगा पहले होता है कि आप मेजोरिटी गवर्नमेंट हो तो देन यू बिकम अ अ काइंड ऑफ बिकम स्टबन टाइप ऑफ यू ब्रिंग ऑल योर पॉलिसी अभी हम मिलजुल इनको काम करना पड़ेगा तो वो मेरे ख्याल से बेहतर है एज लिबरल गवर्नमेंट के लिए परवेज साहब हम जैसे कि अभी अली इमरान ने बताया कि हमें कि जो है वो अपोजिशन का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है ताकि जो है अपोजिशन जो है कोई चीज़ अपोज करना चाहे तो वो आसानी से कर सकती है आप समझते हैं कि ये भी एक गुड साइन है कि हमारी जो है वो मुस्लिम जो लोग हैं जिनका मुस्लिम कम्यूनिटी से ताल्लुक़ है चाहे वो किसी भी कंट्री से हो उनकी नंबर ऑफ़ सीट्स में इजाफ़ा हुआ है ये ऑफ कोर्स आपकी जो पावर जैसे खादि खान साहब ने फरमाया कि जितनी ज़्यादा आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी पार्लियामेंट uh, के अंदर आपकी वॉइस ज्यादा स्ट्रेंथन होगी uh -huh. तो इट्स नॉट ओनली पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरऑल आप देखें कि मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसका अंदर इजाफा हो रहा है सिमिलरली आपने देखा और जगहों के ऊपर भी जैसे हमने यूके वगैरह के अंदर भी देखा कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बाद जो है मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तानी और रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ रही है तो आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए भी अच्छा है और टू मेंटेन अ बैलेंस ओवरऑल इन दी इन दी होल सोसाइटी स्पेशली जहाँ पे इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर है जहाँ पे डिफरेंट लोग डिफरेंट नेशनस के डिफरेंट जगहों के लोग आके एक साथ रह रहे हैं तो यू हैविंग वॉइस इज वेरी क्रिटिकल खाली साहब वन सकैन टूडो की गवर्नमेंट आई है और इमरान खान साहब से जो है वो तबादला ख्याल भी हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और टूडो की मुलाकात एक अच्छी पेशरफ भी है टेलीफोन पर बातचीत आप समझते हैं कि मुल, मुलाकात अनकरी मुतव है मेरे ख्याल में होनी चाहिए लेकिन इस वक्त तो इमरान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो कि उन्हें ओवरकम करने हैं और उस वजह से शायद मौका ना मिल सके इमीजिएट उसमें मगर आई थिंक टूडो साहब भी चाहेंगे कि मुलाकात हो जाए अब पहले कौन करेगा ये पाकिस्तान जाएंगे या वो पाकिस्तान से कैनेडा आएंगे लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर आ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कैनेडा आ जाए जैसे आपने देखा कि जब वो यूएस गए मैं गया था मुलाकात हुई थी तो वहाँ यूएस जाने से यूएस में जो पाकिस्तानी है uh -huh. आ, वैसे तो मुसलमानों मुसलमानों के लिए भी अच्छा है uh -huh. लेकिन पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पे आई मीन द वे ही टॉक्स द द वे ही पोर्ट्रेज इश्यूज ऑफ मुस्लिम्स ये जो है बहुत अच्छा देखिए ना जैसे हमने कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक, एक इशू है uh -huh. और हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेजिस्लेशन uh -huh. uh -huh. लेकिन उसको सपोर्ट के लिए जब इमरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यू एन में उसका किया तो डेट वॉज ओनली जो था उसको एक तरह से एनहेंसमेंट हुई कि भाई हमारे भी जो इश्यूज हैं यहाँ पे वो उसी नेचर के हैं तो हमें भी जो है सपोर्ट उससे काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी अली इमरान इमरान अली मिर्जा जैसे अभी इन्होंने बताया खालिद उस्मान साहब ने इस्लामोफोबिया उसके हवाले से इकर खालिद ने जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर भी जो है वो असम्बली के अंदर अपने फॉरम के ऊपर आवाज़ बुलंद की आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर जो है हमारी कम्युनिटी के जो लीडरान हैं और जो हमारी मंत अर है बहस कर सकते हैं लेकिन आप जब तक मेन स्ट्रीम के अंदर जब नहीं जाएंगे और अपनी ही कम्युनिटी में रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि इस्लामोफोबिया इज अराउंड जॉब्स नहीं करनी उनके साथ मिक्स नहीं होना और उनके साथ फॉर एग्जांपल अभी क्रिसमस का टाइम है तो आ, आप देखें कि आपने नेबर्स में आपने कितने लोगों को विश किया है उनके क्रिसमस के लिए तो ये आ, वो हमारी तरफ से वी फिर आपने मेन स्ट्रीम की तरफ बांधा आप मेरे बहुत सारे कोलिग्स हैं जिस तरह दे आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी इटालियन कम्युनिटी उनको भी डिफिकल्टीज हुई हैं जब वो आए और इस मेन स्ट्रीम में आने के लिए हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हम लोग जब डिस्क्रिमिनेशन हो होती है तो हम इमीजिएटली इस्लामोबिया की तरफ ले उसको उस एंगल में ले जाते हैं लेकिन बेसिकली कोई नया नए नई इमिग्रेंट जो भी आता है उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एक वॉल लगी होती है पाकिस्तान में देख लें अभी तक हमने 74 इयर्स हो गए हैं लेकिन अभी तक हमने वॉल जो है ना रेज आ, रेज नहीं की उसकी तो सेम है हमें दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा लेने चाहिए हमारे लीडर्स खालिस्मान है इनको ये तो ले रहे हैं पहले भी ये अगर गाइड करें कम्युनिटी को भी इस तरह हम लोग उनके साथ किस तरह बिहेव करें और एज ए कम्युनिटी बिहेव करें और उनको गाइड करें तो इट विल बी मच बेटर और इजियर और साहब जैसे कि अभी अली इमरान मिर्ज़ा ने बताया कि हमें मेन स्ट्रीम में जाने की ज़रूरत है क्रिसमस का मौका आता है तो हमें जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है उनको सेलिब्रेट करना चाहिए उनके साथ इसी तरह अनोखा आता है जूश कम्युनिटी के साथ हमें जो है वो मिलके जो है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए आप इस बात से किस हद तक मुतफ़ हैं आई थिंक हंड्रेड परसेंट इसमें देखें एक बात तो यह है कि जो हमारे स्पेशली जो स्कॉलर्स लेवल पर जो बेसिक टीचिंग शुरू से दी जाती है मुसलमानों के बच्चों को कि वो दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया आपने एक मुसलमान है और एक दूसरा काफर है और फिर आपने जो है दिस इज हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट डिफ्रेंशियटिंग जबकि एट द ह्यूमन लेवल वी ऑल आर सेम ठीक है हमारे अपने कुछ देर आर सम डिफरेंसेस ठीक है हमारे अपने फेथ के कुछ डिफरेंसेस है बट वेन यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल रिसेंटली अब मैन विद फ्यू ग्रुप जहां पे बड़े डाइवर्सिफाइड ग्रुप है तो आप अगर जाकर अपनी बात को सही तरीके से बताएं और सही तरीके से अपना करेक्टर से यू डोंट नीड टू स्पीक आउट तो ये वाला जो आपका एटीट्यूड है कि आप अपने क्लस्टर्स बनाते जाएं और ज्यादा से ज्यादा जस्ट कम्युनिटी के अंदर ही इंटरक्शन करते रहे और यू शुड नॉट गो आउट यू डू नॉट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअली दूसरे लोगों को आप समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे उनके जो कल्चरल उनकी कुछ कल्चरल चीजें आप उनको कल्चरल चीजों को हो सकता है आपके यहाँ वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको उनकी पर्सनैलिटी की बुराई के तौर पर आप उनको नहीं ले सकते दिस इज पार्ट ऑफ देअर कल्चर वी शुड बी रेस्पेक्टिंग देयर कल्चर और हम अपने कल्चर को आप या जो भी आपके ट्रेडिशन हैं और उसको इम्पोज भी नहीं करेंगे आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप अगर किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो ठीक है आप अपने को उससे अलग कर लें बट यू डूर नॉट गोइंग टू शो द रिजेंटमेंट विच जो एक एटीट्यूड है तो ये हमारा एक जर्नल एटीट्यूड इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इन द लॉन्गर रन अगर हम यही मेनटेन रखें कि हम ये कहें कि यस हम बिल्कुल अलग हैं और ये बिल्कुल अलग लोग हैं और हम बिल्कुल ही अलग अपनी सोशलाइजेशन से ले हर किस्म की एक्टिविटीज़ सेपरेट करें

वो कह रहा है ये तो हैं बड़े गलत लोग हैं दैट्स इस्लामोफोबिया हेट्रेड राइट वी आर टॉकिंग अबाउट हेट्रेड अगेंस्ट आवर रिलीजन जैसे क्यूबेक में दे आर से कि जी आप आ, हिजाब नहीं पहनते मेरे घर में तो कोई नहीं पहनता mm -hmm. लेकिन जो अगर पहनना चाह रहा है आप उसको रोक नहीं सकते mm -hmm. नंस अपने जमाने में पहनती रही हैं mm -hmm. तो कहने का मुझे इस्लामफोबिया इज इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट तो जहां तक के जो अली ने बात की या परवेज साहब ने जबरदस्त ए वन हम तो अपने बच्चों को यही प्रमोट कर रहे हैं कि भाई यू हैव टू लर्न टू लिव इन दिस कंट्री यू हैव टू विद देम और यही आप कनेडियन पैदा हुए हैं भाई ठीक है मुसलमान यानी कीपिंग आर इस्लामिक वैल्यूज आप अपनी वैल्यूज रखते हुए यू मस्ट बी ए मॉडर्न कनेडियन पर्सन वो तो वो तो अपनी है सही लेकिन क्या हमारी कम्युनिटी ने उस तरह कम्युनिटी को हम देखें उसके मुकाबले में हमारी कम्युनिटी उस चीज को इतने जल्दी अडोप्ट करने में कामयाब हमारे बड़े हैंग अपने की हमारे जो इस्लामिक लीडर्स हैं आप जा चले जाए अभी आपने कहा बड़ी अच्छी बात की देखिए मैं तो अभी क्रिसमस पे उट माई cards, cards. आपको ही मिला हो yeah, को मिला होगा। है? Yeah, yeah. तो जो, जो मेरे फेसबुक पे आप देखेंगे कि Jewish हॉलीडेज हो तो आई विश दैट हिंदू की होली में विश करता हूँ हर अपने डिफरेंट रिलीजन के दोस्त है हमारे हर एक को मैं विश करता हूँ क्योंकि आई रिप्रेजेंट everyone। मगर जब आप मस्जिद में जाएंगे

लेकिन अगर आप उसकी अपॉर्चुनिटी एक तो तो प्रोवाइड कर रहे हैं और जब आपको आपको पता चल जाए कि आपका ग्रुप ऐसा बीइंग टारगेटेड एक्स्ट्रा होकर और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा माइल लेना पड़ता है लेकिन वो होता नहीं है जैसे आखिरी में कहा कि आप अगर मस्जिद में जा रहे हैं तो फिर ने बता दिया कि अच्छा अली हम क्रिसमस में जैसे हम मैं खुद भी जहाँ रहता हूँ वहाँ पर हमारी जिस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तादाद में हम उनके साथ भी सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस भी अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं लेकिन हमारा अपना जो फेस्टिवल होता है जैसे ईद है ईदल्फ़ित है ईद उजी है हम उसमें लोगों को दीगर कम्युनिटी को किस हद तक इंगेज करने में कामयाब है यहाँ कैनेडा में सर हम एक्चुअली पर्सनल लेवल से स्टार्ट होना चाहिए फिर कम्यूनिटी uh, को कम्युनिटी के लीडर्स को so, हमें गाइड करना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कम्युनिटी इज आल्सो वेरी डिवाइडेड Uh, कुछ लोग हमारे बहुत ज्यादा रिलीजियस लोग हैं कुछ काइंड ऑफ़ लिबरल हैं uh, तो हमें जो जो वैल्यूज़ ईद का जो हमारा ईद हुआ है uh, हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुहेल uh, वो पाकिस्तानी है कराची से उन्होंने सब मिठाई पूरे ऑफिस में चार सौ पचास है हर फ्लोर पर हर नुक्कड़ पर उन्होंने मिठाई के डब्बे रखे

भाजीब नहीं बात अली बड़ी जबरदस्त कर रहा है क्योंकि आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज आई है कि देखिए हम फॉर एग्जाम्पल अपने बच्चों को ये तो कहते हैं क्रिसमस मत मनाओ राइट लेकिन देखिए वो छोटे बच्चे हैं वो दिखते हैं

तो कहने का मकसद ये है हमें बच्चों को ये भी बतानी की जरूरत है देखो ना असल तो ये है तो his point was very right relevant कि भई आप कम से कम अगर करना है अपने बच्चों को आप ये कहते हैं अपनी ईद मनाओ वो तो भई उनको फिर उसी तरह वो भी तो दो ना या। जी परवज साहब आई थिंक एक तो कल्चरल जो न, part है ना पार्ट है बट अगर आप देखें जो इस्लाम का जो बेसिक मैसेज है ना इट्स अ कैरेक्टर एक्चुअली ऑफ इस्लाम है

हमने इनशाला बोल दिया तो उसका मतलब अल्लाह ही करवाएगा तो करवाएगा हमने नहीं करना है नाजीन हमारी गुफ्तु का सिलसिला जारी रहेगा लेते एक छोटा सा ब्रेक जाएगा कहीं मत देखते रहे फेस टू फेस विद महबूब शाह artists can be pretty crazy it's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare just like in family life communication and organization are everything i have no idea how artists did it back in the day but we rely heavily on our phones for everything it keeps us connected to our families and our fans are you looking to buy or sell a business Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416 300 5600 or text us your email and contact details on this number, and our team will contact you 416 300 5600. Center. Service to humanity is service to Allah. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was uh, in insurance and risk management since 2005. Through my profession i do get this opportunity to meet uh, awesome people and i really cherish these relationships hello parents receive up to $7200 government grants and $2000 canada learning bond in your child education savings plan power of grants with tax sheltered growth a smart and proven way to invest in your child's future 31st december last date to get this year's grants call mohammed ershad 647 853 3030. 647 853 3030. Helping families for the last 10 years. Dixie Electronics and Appliances is your number one destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen from selection to delivery dixie electronics is everything you need price match guarantee and zero percent financing available all under one roof come today at 5120 dixie road mississauga or visit the website at dixieelectronics.ca injuries not only impact you but also people around you life is better than this let's get your life back the injury lawyers at alum law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery and remember you don't pay until we win alum law वेलकम बैक नाजिन फर्स्ट टू फर्स्ट टू थ्री सिक्सटी टी वी के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट महबूब शेख हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद है, हैं वो यकीन किसी तारुफ़ की मोताज नहीं अपनी अपनी हस्ती के अंदर एक हीरा हैं जो पाकिस्तान और कनेडा के लिए काम कर रहे हैं इनके अलावा भी बहुत सारी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान और कैनेडा के लिए मुख्तलिफ किरदार अदा कर रही हैं चाहे वो किसी भी हवाले से हों एजुकेशन के हवाले से हेल्थ के हवाले से हों हम उन सबको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि वाकई में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी इतना वक्त निकाल रहे हैं कि जो हमारे लिए काबिल फ़खर है मैं खालिद उस्मान साहब से जो है वो एक बार फिर बात का आगाज़ करूँगा खालिद साहब माशा शौकत ख़ानूम हॉस्पिटल के लिए अब तो कराची के लिए भी आपने माशा एक ज़बरदस्त प्रोग्राम किया मैं ख़ुद भी वहाँ उसका आई विटनेस हूँ और बहुत कम मुद्दत में आप आउट ऑफ कंट्री थे आप आएँ और आपने उसको अचीव करके दिखाया टारगेट को थ्री हंड्रेड समथिंग आपने करके दिखा दिया तो बताइएगा कि शौकत खानम अस्पताल के बारे में हमारे नाजिन को कि वो क्या है और क्या कर रहे हैं आप ऐसा है जी कि वी स्टार्टेड यहाँ पे पांच साल पहले टू रेजिंग मनी डायरेक्टली तो चूंकि वी हैव नॉट बीन एबल टू इनकॉर्पोरेट शौकत खानम के नाम से सो इट्स कॉल्ड सर्फ इट्स कैनेडियन सॉरी कैंसर एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ओके और वो ही टैक्स रिसीट दे सकती है तो अब उसमें जो है

तो उसका यही है कि ऑन साइनिंग ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट वी विल गिव देम 50 तो 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 वो हमने 1.3 1.3 दे दिया उनको अब जो बाकी है है तब होगा जब जब उसकी फाइनल मिलेगी इंस्टॉल हो जाएगा काम करना शुरू करेगा तो एक तरह से टाइमिंग okay. तो डिफरेंस दूसरे लीनर ओवर सिक्स मिलियन डॉलर अली इमरानर्जा आपका नवल नॉलेज ऑफ सिटी जब सामने आता है नाम तो जहन में आता है कि कोई नया सिटी बनने जा रहा है जो तालीम से हमकिनार करेगा शूर जो है जिसकी कमी है वो पाकिस्तान में पैदा करेगा उस हवाले से हमें बताएं कि नमल नॉलेज ऑफ सिटी क्या है और कहाँ तक आपका टारगेट है और क्या करने जा रहे हैं शुक्रिया मैम नमल नॉलेज सिटी मियाँ वाली की आ, अंदर एक एरिया है नवल उस एरिया को कहते हैं <coughs> Uh, पंजाबी में मूल uh, उसका बेसिकली uh, मूल नहीं है जिसका नहीं। uh, uh, वो डेट इज द एरिया खान साहब को जगह पसंद थी वहाँ पर एक साहब हैं उन्होंने थाउजेंड एकड़ की लैंड जो है डोनेशन की थी सबसे पहले और पूरा इसको ऑक्सफोर्ड और कैमब्रिज के बेसिस पर ये एक सिटी बनाना चाह रहे हैं क्योंकि कैमब्रिज वो सिर्फ यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर उसी की बेस पर यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल बनेंगे टू तक मेडिकल स्कूल भी बन जाएगा और बहुत सारे और इंजीनियरिंग स्कूल भी बन जाएंगे और इसको पूरा एक सिटी बनाने के बनाया जाएगा और एक तरफ लेक है बड़ा खूबसूरत अगर आप चक्कर लगाएं तो देख सकते हैं तो ये नमल नॉलेज सिटी बेसिकली इस एरिया में मियाँ वाली के खान मिया, साहब मियाँ वाली का रहने वाला हैं तो उस एरिया में है दूसरा जो हम यहाँ पर फंड रेजिंग कर रहे हैं आ, नमल को कनेडा में हमें शुरू में डिफिकल्टी ये हुई कि लोगों को नमल के बारे में पता ही नहीं था मुझे खुद भी नहीं पता था टू वेरिया मैं इसको कंफ्यूज करता था नमल जो इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस

में फंड तो के और वहा लोगों से जो है वो बगैर सिफारिश के बगैर पर्ची के लोगों के काम हो जाते हैं और सिंगल पैनिंग खर्च कर नहीं करनी पड़ती इंडे हॉस्पिटल के लिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के कैनेडा अमेरिका और दीगर जगह पर इंडस हॉस्पिटल एक तो जो बेसिक आइडिया था इंडस का वो ये था कि जो हमने जो देखा है कि बाहर लोग जब आते हैं और हम यानी कनाडा में देखा है कि लोगों को इंडस्क्रमिनेट हेल्थ केयर की सर्विसेज सो दिस वाज द ड्रीम कि आप ऐसा सिस्टम शुरू करें द ओनली डिफरेंस कि हम प्राइवेट सेक्टर में करें नॉर्मली गवर्नमेंट की रिस्पॉसिबिलिटी तो इंडस स्टार्टेड विद दिस आइडिया लोगों ने शुरू में बड़ा डिस्क्रेज किया वी स्टार्टेड विद वन हॉस्पिटल लेकिन तकरीबन पिछले बारह साल के दौरान हमारे इस तेरह हॉस्पिटल्स हैं फोटी वन डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम है पाकिस्तान में जो सिर्फ जो तब्दीली आई है वो हमारा रिसेंटली दो साल में हमारा एक मेन मेजर शिफ्ट आया है वो शिफ्ट ये है कि हमने रियलाइज किया है कि पाकिस्तान में अगर हेल्थ के मसले को सॉल्व करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा आ, प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज पर तो उसके उस सिलसिले में और कम्युनिटी इंगेजमेंट हमारे बहुत सारे मसाइल जो है ना उस वक्त ये है कि कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन नहीं है मतलब हाथ धोने का पानी उबाल के पीने का मतलब ठीक है आपके पास गुर्बत हो सकती है लेकिन आपके अगर बेसिक एजुकेशन से जो ना बहुत सारी चीजों को हल कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होती हैं तो एक तो हमने कम्युनिटी इंगेजमेंट का प्रोग्राम शुरू किया जहाँ पे हम कम्युनिटी से जाते हैं तो हमने कंटेनर

हमने दो फंड रेजर्स जो थे दो तीन फंड रेजर्स किए तीन शहरों के अंदर फंड रेजिंग की यहाँ पर टोरंटो के अंदर ऑंचवा और कैलि के अंदर और अब हम जो है इस अब इस अप्रैल में चार शहरों के अंदर हम वो कर रहे होंगे लॉट ऑफ सपोर्ट हमारा बेसिक फोकस जो है जो यहाँ पर अभी तक जो हमारी एक्टिविटीज हैं

तो कैनेडियन पाकिस्तानियों ने यहाँ से बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए तकरीबन तक मिलियन डॉलर कॉमन है मैं अक्सर कम्युनिटी में मूव करता हूँ जर्नलिस्ट लोगों के प्रोग्रामों में जाता हूँ हमारी कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है मेरा तीनों से यह सवाल है कि हम यहाँ कैनेडा में रहते हुए पाकिस्तान के लिए काम क्यों कर रहे हैं नंबर एक नंबर दो जो फंड हम जमा कर रहे हैं वो सही हाथों में जा रहा है या नहीं जा रहा नंबर थ्री एक के बाद एक मंथली प्रोग्राम हो रहे हैं कैलेंडर वाइज अगर आप देखें कभी नमल का हो रहा है कभी इंडस का हो रहा है कभी शौकत खानम का हो रहा है कभी डैम फंड का हो रहा है कभी हुनर फाउंडेशन का हो रहा है मतलब एक हर महीने एक इवेंट हो रहा है तो क्या आप समझते हैं कि जो लोग ये सोचने हैं उनकी सोच में कोई तजाद है या हम उनको किस तरह बता सकें कि ये हमारे मुल्क का हमारे ऊपर हक है कि हम कहीं भी हों हम उसका हक अदा करते हैं देखें, मैं आपको इसकी क्लरिफिकेशन दू के इसमें ये सोच रखी है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए के मैं इस मुल्क में रहता हूँ यहाँ भी दूंगा लेकिन मैं अपनी रूट्स को भी दूंगा इसलिए मैं आज जो हूँ वो पाकिस्तान की वजह से हूँ राइट मेरे बच्चे भी हैं वो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि भाई यहां तो अल्लाह के फजल से एवरीबडी हैज फुल सपोर्ट कंट्री लाइक पाकिस्तान नीड्स हेल्प ठीक है अगर हम यही सोचते रहे कि ये किसी और का काम है तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा नहीं। जहां तक कि उनका सेकेंड इश्यू है अकाउंटेबिलिटी का उनका जेनविन इशू है भाई अगर आपको कोई मसला है प्लीज कॉल जो आपसे डोनेशन मांग रहा है आप उससे पूछें कि भाई मेरे पैसे कहाँ गए भाई आपको रसीद रसीद मिली है नहीं मिली है अब देखे हमारे दफ्तर में ऑल रिसीट आर और उसके बाद जिनको नहीं होती उनको डुप्लीकेट इश्यू हो जाती है फिर भी कोई एक आ जाता है ईमेल मेल कि यारो मेरा रसी आर का वो ऑडिट हो रहा है हमें यार दो साल पुरानी रसीद चाहिए वही डेकआउट रसीद है उसको कॉपी भेज देते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए गो टू आर वेबसाइट दे आर अच्छा हमारे जो शौकत खानम वाले तो सर्फ का जो है वी एक्चुअली गेट इट ऑडिटेड बाय सीए एफ ओम सो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे आर ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट कंपनी और uh, हर चीज का प्रूफ है आपको पेमेंट्स का प्रूफ चाहिए वो भी हमारे पास है आपको वो भी मिल जाएगा जी अली जी मैं आई टोटली आई को वट खालिद साहब के

Only ये मैं बड़ी उससे बता रहा हूं आपको मैं मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई देखिए आप अगर पंद्रह ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं बीस ऑर्गेनाइजेशन कर पाकिस्तान में आपको कितने हजार करती है या। तो कहने का मतलब ये भाई अगर आप समझते हैं कि भाई मुझे फॉर एग्जाम्पल शौकत खानम जो है उनका उन्होंने सही अकाउंटेबिलिटी नहीं दी तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं देंगे उनको आपको नमल को है नमल लेने नहीं नहीं की आप इनको नहीं देंगे आप नो इंडस को नहीं देंगे जा जा। हुँ, हुँ, हुँ. So, म, भाई एक्चुअली इफ यू लुक द पॉपुलेशन ऑफ जीटीए में वो यार अराउंड 180000 पाकिस्तानीज राइट right? तो खालिस uh, uh, मान साहब का फंक्शन बड़ा होता है हजार बंदा आता है ना तो अगर वो वन हंड्रेड एंड में सिर्फ एक थाउजेंड था। बंदे आए और डोनर पैसे देंगे कर लें, तो बाकी लोग सिर्फ उनको लेकिन कम एज वो, वो ये क्वेश्चन जो जिन्होंने कुछ करना नहीं होता वो क्वेश्चन रेज करते हैं और किसी वक्त भी हमें भी फोन कर सकते हैं जितने पैसे हमने किए पाकिस्तान में नमल में और शौकत खाना में खालिद साहब को पता होगा कि प्राइस वाटर हाउस जो है दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग फर्म है वो उनकी फर्गसन के नाम से वो उनका ऑडिट करती है जो भी पैसे यहाँ से उधर जाते हैं वो exactly कहां यूज होते हैं वो वहां पर लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं अलीमा बहन के बारे में या आगे पीछे वो दे कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चन के वो पैसे जाते हैं उनका मनी ट्रेल है और ऑडिट ट्रेल है उसके बाद कि वो पैसे कहाँ यूज हुए हैं तो इसको क्वेश्चन रेज करना आ, नहीं हमारा तो हमारा तो प्रूफ यहाँ पे भी है बिकॉज हेयर वी कैन ऑडिट अच्छा मैं इस सवाल को एक और उसमें भी आपकी तरफ ही आता हूँ कि जो लोग यहाँ फंड रेजिंग के प्रोग्राम करते हैं नमल भी करते हैं शौकत साहब भी शौकत ख़ान के लिए भी जो है वो खालिद साहब करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं एक तासर ये भी जाता है कि जो लोग प्रोग्राम करते हैं उनका भी कुछ परसेंटेज वो अपना रखते हैं कि ये प्रोग्राम में उनका इतना वो परसेंटेज चार्ज करते हैं और अपना ट्रैवलिंग चार्ज करते हैं और दीगर चीज़ों को किस से मैं आप बताते हैं देखिए मैं एक तो पहले वाली बात में यह है कि हमारा जो अपना इंडस्ट का एक्सपीरियंस है एम श्योर सेम एक्सपीरियंस होगा हमारा तो डिमांड रिवन था डिमांड इस तरीके से कि लोग रिगार्डलेस ऑफ दिस ऑफिस कोई क्या सोचता है लोग डोनेट करते हैं पाकिस्तान में एक सौ अस्सी एक लाख अस्सी हजार पाकिस्तानी रह रहे हैं वो अपनी जकत या कुछ ना कुछ सदक़ात खरात भेजते रहते हैं हमारे पास ये था जब इंडस्ट यहाँ रजिस्टर्ड नहीं था तो लोग ये कहते थे कि हमें यहाँ पर पाकिस्तान पैसे भेजते हुए थोड़ा सा डिस्कंफर्टेबल कि पाकिस्तान में वहां पैसा कहीं अगर गलत किसी जगह पर इस्तेमाल हो गया तो हम यहाँ पर पूरे के पूरे चक्कर में मनी लॉन्ड्रिंग और उसमें आ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू मेनी अदर कंट्रीज सी आर ए का यहाँ पर जो प्रोसेस है तो बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसेस है ए जब चैरिटी का लाइसेंस दे रहे हैं उसके बाद जो आपको रिकर्ड्स रखने होते हैं अच्छी खासी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी तो एक तो उसका ये फायदा है कि यहाँ पे जो डोनर पैसे दे रहा है उसकी मुकम्मल जो है वो सेफ्टी है जैसे खालिद उम्मान साफ सिमिलरिटी इंडस भी क्या करता है हम पैसे नहीं भेजते हैं हम यहाँ से लॉजिस्टिक्स हैं चीजें भेजते हैं दवाइयांते हैं या इक्विपमेंट्स भेज रहे हैं तो उसका मतलब है कि इनके पास जो पैसे इन्हें पे किए उसकी यहाँ पे कोई ना कोई मनी ट्रेल मौजूद है यहाँ पर एक बात दूसरी बात है कि यह कि ये जो तीन से चार प्रोजेक्ट में टीसीए को भी शामिल कर लूं तो इन प्रोजेक्ट्स की खास बात है एज कंपेयर टू वेरी लार्ज चैरिटीज़ वर्किंग हेयर नाम मैं नहीं लूंगा हंड्रेड मिलियन डॉलर भी वो लोग यहाँ से रेस कर रहे होते हैं लेकिन उन तमाम चैरिटीज का किसी का भी कोई प्रोजेक्ट वहां पर नहीं होता दूसरी दूसरे इधारों को वो अपने पार्टनर्स को देते हैं दुनिया में जाकर तो उसमें इनका अपना पच्चीस तीस जो है ना वो कट होता है यहाँ पर कट होता है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं कलेक्शन के चार्जेस होते हैं हमारे एंड इनके भी अगर आप फाइनेंशियल देख लें तो किसी किस्म का कोई एडमिन हाँ और टू माय नॉलेज बेस्ट ऑफ माय नॉलेज शायद ही आई हैव नॉट कम अक्रॉस टू एनीवन जो ये कहे कि मैं किसी किस्म का फंड ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेज करने के लिए कोई कट ले रहे हैं

माशाल्लाह उसके लिए कैंसर यूनिट बना और बहुत सारा आपने अभी फंड रेस करके जो है उनको दिया है तो हम यहाँ के हॉस्पिटल्स और यहां की कम्युनिटी के लिए भी तो कुछ कर रहे हैं सर मैं यही बता रहा था कि यहाँ के लिए भी हम करते हैं हर साल डू फंड रेजिंग अभी जो हमने वो यूनिट uh, uh, किया है डॉलर अभी right? रिसेंटली जावेद अली खान साहब ने भी जो है एक प्रोग्राम किया था इस कार्बो हेल्थ नेटवर्क हॉस्पिटल right. के लिए शायद यू आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम या हम तो जी आरएच को सपोर्ट yeah. करते हैं yeah. दूसरी बात ये है कि अभी वो जो मार्कम वाईएमसी है व्हेन इट वाज बिल्ट आई रेज ओवर 100000 डॉलर्स फॉर दैट इसी तरह जो है uh, वो वुमेन शेल्टर है mm -hmm. उसके लिए एवरेज 100000 डॉलर्स कहने का मकसद यह है कि यह तो हमारी एक ट्रैक uh, है uh -huh. कि भाई हम नॉट ओनली फॉर कनाडा, वी वी विल डू इट लिव, बट आल्सो पाकिस्तान बिकॉज़ दैट्स वेयर वी कम फ्रॉम। हमारा मैं आपको के अंदर उसमें सिर्फ पांच या छह परसेंट इंटरनेशन तमाम मुल्कों से आता है तो, तो से सब से? पाकिस्तान से सच ए लार्ज प्रोजेक्ट है हम नए साल की जानब आ चुके हैं नया साल शुरू हो चुका है ट्वेंटी ट्वेंटी का पहला दिन है आज फर्स्ट ऑफ जन है अली हुम राइट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि कश्मीर के हवाले से जो है वो अब तक जो हम सोच रहे थे कनाडा का जब नाम लेते हैं और जस्टिन टूडो का तो महसूस होता है कि वो तो कहीं भी अगर होमन राइट्स के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है तो खड़े हो जाते हैं स्टैंड लेते हैं अब तक कोई ख़ास पेशकदी नजर नहीं आई क्या वजूहत है क्या वजह है क्या समझते मैं बेहतर होंगे जवाब देने मेरे जो टू सेंस हो सकते हैं यहां पर हैं और लॉबीज का होता है पोलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर इतना इतना पानी का पानी और दूध का दूध नहीं है जितना हम सा, हम चाहते हैं हो आ, दुनिया में आ, सब देख रहे हैं जो जुल्म हो रहा है कश्मीर के ऊपर हो रही है जो, म, म, जो हर किस्म का वहाँ पर अभी तक मेरे कर्फ्यू लगा हुआ है जो जो डाउन मेन एरिया में तो दुनिया चुप है जिसके लिए कई दफा गुस्सा चढ़ता लेकिन क्या कर सकते हैं है? uh, uh, तो ऐसा है कि देखिए सबसे पहले तो हम अगर खुद आवाज नहीं उठा सकते नहीं। तो हम एक ट्रूडो से क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप मुझे बताया ने कितनी आवाज उठाई है नंबर एक नंबर दो सबसे बड़े जो मुसलमान मुल्क हैं सऊदी अरेबिया कुवैत कितनी आवाज उठाई है भाई वो तो उनके साथ डीलिंग कर रहे हैं तो ये जो मैसेज जा रहा है इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम कि हमारे जो इंटरनेशनली मैसेज हर कंट्री से जा रहा है वो ये है कि भाई इट्स तो सिर्फ पाकिस्तान तुर्की मलेशिया तीन मुल्क हैं जो आवाज उठा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं चाइना इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कैनेडा में अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में अब देखे ना इंडिविजुअली स्पीकिंग या जो अपने कांग्रेस मैन है स्पीकिंग अभी उनकी एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान से सॉरी कश्मीर से तो कहने का मकसद ये बट दैट्स नॉट ऑन On the basis of, आप, ए, में कुछ हो जाए अब कल देखें क्या होता है इसलिए वो, वो मारा है हर बंदा उसको कह रहा है आई एम दर्स्ट वर्न टू से गलत है, है। इसलिए इंसानियत के खिलाफ है बात लेकिन वहां पे वो कह रहे हैं भाई हमारा इंटरनल मैटर है अब कश्म में आप मुझे बताएं इज एनी डिफरेंट चाइना में जो है उगर्स। उगर्स के साथ जो हो रहा है उस पर किसने बात की है किसी ने बात नहीं की पाकिस्तान ने नहीं, नहीं बात की सही क्या हम इतने कमजोर हो चुके हैं इस्लामी दुनिया में जो ममालिक हमारे कि हम बात करने से डरते हैं या हमारे कुछ पर्सनल इंटरेस्ट आ गए इंटरेस्ट की बात है यार आई थिंक इस्लामिक दुनिया में तो जर्नली कोई अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं ना जर्नल राइट्स की बात कर रहे हैं ग्लोबली

तो आई थिंक वंस दे हैव रियलाइज्ड जैसे इंडियन गवर्नमेंट रियलाइज किया है कि टॉलरेंस बहुत बढ़ गया है और एंड ऑफ द डे इट्स ऑल इकोनॉमी कि अगर आपके पास इकोनॉमिक पावर है सो यू डू वॉट एवर यू टू बट आई थिंक द बिगर इशू नाउ ये जो अभी जो इंडिया के अंदर जो के जो, के जो ये एक्ट आए हैं ये mm -hmm. दोनों mm -hmm. जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन वाले जो हैं जिसके अंदर आप है तो उसका उससे जो है ना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अनदर जेनोसाइड अली इमरान मिर्जा नया साल 2020 शुरू कोई पैगाम देना चाहें हमारी आवाम को टोरेंटो 360 सिक्सटी टी वी के व्यूअर्स को थ्रू कैमरा आप दे सकते हैं शुक्रिया भाई एक दोपहर हमें इन्वाइट करने का और मुझे खालिद खालिदान भाई के साथ बैठने का मौका मिला है मैं ये कहना चाहूँगा जी कि नया साल है इसको इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ बैठें और इसे और नेक्स्ट हमारे जो नमल के साथ इवेंट हम कर रहे हैं प्लीज़ हम आएँ और हमारी हेल्प करें उसके लिए फंड रेजिंग के लिए

Uh, हजारों लोग सैकड़ों लोग लाखों लोग मर रहे हैं mm -hmm. लेकिन अग, आपका अगर एक्शन से एक एक लाइफ बच जाती है mm -hmm. या बच्चा एजुकेट हो जाता डू इट डोंट गेट साहब मुझे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट रोल देखिए सबसे बड़ा मसला यह है कि वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आपकी वजह से एटलीस्ट बात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यू ईयर लेकिन साथ साथ शौकत खानम के बिहाफ पे आई वॉन्ट ऑल द डोनर्स जिन्होंने अब तक डोनेट किया इहे इहे। और जो कमिटमेंट दिखाते रहे हैं और इस साल भी अगेन एज यूजल जैसे आपने बताया हम आएंगे अक्टूबर में फंड रेजिंग होगी वी आर ऑल्सो गोइंग सिटीज और साथ साथ और भी चैरिटीज हैं तो जितना आप देखें हमारे मुसलमानों का सबसे बड़ा जो है ना मैं ये मैसेज में सबको देना चाह रहा हूं पाकिस्तान में भी कि दे आर द मोस्ट गिविंग पीपल इन द वर्ल्ड ये भी फैक्ट है yeah. तो देना तो है उन्होंने किसी ने जकत देनी है किसी ने खैरात देनी है किसी ने वैसे ही देना है तो भाई आप देते रहे अल्लाह मियाँ उसका रिवॉर्ड देगा आपको और ये है कि कोई मसले हैं मसाइल है तो आप फोन करें आपको को को चाहिए। yeah. फोन करें। yeah. अपने लोगों की बातें छोड़ दें uh -huh. आप फोन करें खालिद उस्मान को फोन करें कभी मैंने आपको फला दिन डोनेशन दी थी क्या है उसका हिसाब बता दें विल विल गिव इट यू यू मैं एक बार फिर जनाब खालिद उस्मान साहब आपका अली इमरान मिर्जा आपका और परवेज साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आपने ट्वेंटू थ्री सिक्सटी के प्रोग्राम फेस टू फेस का हिस्सा बने बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का थैंक यू नाजरीन मैं अपने प्रोग्राम के अख्ताम से कबल सिर्फ एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप दुनिया के किसी भी खत्े में हो दुनिया की किसी भी मुल्क की शहरियत इख्तियार कर लें लेकिन आपकी पहचान पाकिस्तान है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं पाकिस्तान नहीं है तो हमारी कोई हैसियत नहीं है हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं हमारा पासपोर्ट हम पेश करते हैं चाहे वो कनाडा का हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो चाहे वो यूके का हो किसी भी कंट्री का हो लेकिन हमारे साथ एक नाम जुड़ा हुआ होता है पाकिस्तान का आप अपने किरदार और फैज से ऐसा काम करें कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम ना हो आप अपने किरदार और फैल से ऐसा काम कर जाएँ कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए मेरे इन तीनों मेहमान जो कि अपनी अपनी हैसियत के अंदर एक हीरा हैं मैं उनके हवाले से भी एक बात करना चाहूँगा कि अपने पर ये बात भी शेयर करता चलूँगा कि कभी उस शख्स को नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी बहुत परवाह करता हो क्यों वरना तुम्हारी ज़िंदगी का दिन एक दिन ऐसा एहसास होगा कि वो शख्स तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाएगा और तुम एक हीरा खोदोगे और जो हीरा आप खोदोगे तो उसका कभी भी खुमियाज़ा आप सारी ज़िंदगी नहीं भुकर सकते देखें इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर वो किरदार अदा करना चाहिए जिस तरह एक नमक किरदार अदा करता है नमक हमें खाने में कहीं नज़र तो नहीं आता लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी का एहसास ज़रूर रहता है अल्मा इकबाल के शेर के साथ अपने हौस महबूब शेख को इजाजत दीजिएगा तेरे सजदे तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे इकबाल तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है पाकिस्तान कैनेडा जिंदाबाद है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं रिश्ते भी बनते हैं महसूस कीजिए देसी खानों की ताजा महक विलेज टेस्ट द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी क्विजीन जहाँ न सिर्फ पाकिस्तानी कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है बल्कि विलेज का माहौल भी है तजुबेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए रब्ता करें नाइन ओ फाइव Two three two three six six three, village taste 4141 dixie road mississauga <laughs> मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तमीराती मनसूबा माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से एलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तमीर का काम शुरू हो गया है इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफीत आप यूट्यूब आरोप मस्जिद नूरुल हरम ओपिल टाइप करके देख भी सकते हैं इस शानदार रूहानी मरकज की तमीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए डोनेशन के लिए कॉल करें नाइन ओ फाइव टू फाइव सेवन वन थ्री फोर टू या डब्ल्यू आई एम कैनेडा डॉट कॉम लॉग इन हो Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call NOMA today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to NOMA. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call NOMA Bobber today at 647 962 0007. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Adola will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Adola, the legal professionals. यह हो बेचना कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना तो रियल स्टेट की फील्ड में प्लीज कॉल ताबिश तो रीमैक्स चैंपियंस रियल टी इंक सिक्स फोर सेवन फाइव वन एट थ्री थाउजेंड और विजिट ताबिश होम्स डॉट कॉम दोस्त I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help.